ग्रामीण बच्चे नहीं जा पा रहे हैं पाठशाला। एक तरफ तो योगी सरकार शिक्षा के ऊपर सर्व शिक्षा अभियान से लेकर कई अभियान चलाकर लोगों को बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक कर रही है, उधर जनपद ललितपुर के जिम्मेदारों द्वारा सरकार की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। पूरा मामला विकासखंड बिरधा के उमरिया डोंगरा पिपरिया संपर्क मार्ग का है, जहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है बरसात के चलते दलदल बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में असमर्थता जता रहे हैं, जिसके चलते आज ग्रामवासियों सहित स्कूली बच्चों ने जिला अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि मार्ग को जल्द दुरुस्त किया जाए, जिससे कि सभी पाठशाला जा सकें। इससे पहले भी ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को इस मार्ग के बारे में अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ना तो किसी ने ध्यान दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से दलदल में तब्दील हुआ है मार्ग। उच्च अधिकारी अनुशासन की मंशा पर पानी फेर रहे, बच्चों के भविष्य कार को अंधकार में धकेल रहे हैं। ललितपुर से विनोद मिश्रा की खास रिपोर्ट। खाना खराब है वहाँ पर, स्कूल जाने में 1.5 किलोमीटर दूर तक स्कूल रोड खराब है, वहाँ पर जाने में इतना खस्ते हैं, पूरी बरसात भर स्कूल नहीं जा पाते। अभी आप जिलाधिकारी जी के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ आए, तो क्या आश्वासन दिया है, मिले हैं उनसे? यस सर। क्या कहा उन्होंने? कहा कि काम हो जाएगा। अभी कब से नहीं गए आप स्कूल? 1 महीना से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में पढ़ते हो। क्या है पूरा मामला आप बताएंगे? जी, मेरा नाम सौरभ है, मैं ग्राम उमरिया से। वहाँ पर स्कूल प्राथमिक विद्यालय पूर्व विद्यालय है, मतलब गांव से इतनी स्थिति खराब रोड की कि बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं, ना बच्चे जा पाते और टीचर लोग भी नहीं आ पा रहे वहाँ पे, और मतलब इतना खराब रास्ता है कि ना बच्चे जा रहे ना कोई। हम चाहते हैं, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, और सीडीओ साहब के पास गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपका कार्य हो जाएगा बरसात के पहले, और बरसात के पहले भी निरीक्षण हुआ है, उससे पहले भी डीडीओ साहब गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था कि बरसात के पहले कार्य हो जाएगा, तो अभी तक कार्य हुआ। हम लोग इसलिए आए यहाँ पर कि भैया अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ। आज भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आज कुछ कार्य हो, हम चाहते हैं कि डीएम साहब को दिया है हमने कि अब भैया हो जाएगा कार्य।